तब फिर मुझे लगा नहीं यार एनआईटी से एमसीए करना सही रहेगा करके। फिर एक समय ऐसा आया कि 10-15 मॉक तक 485 नंबर आ रहे हैं मेरे। एग्जाम हॉल में मैंने तय किया था कि मेरे को पैनिक नहीं करना है, एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है। मैं बोलूंगा ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास। चलिए एक और निमसेट के नए टॉपर से मिलते हैं, प्रतीक ठाकुर से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 202 है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले प्रतीक, आपको एनआईटी इलाहाबाद और 202 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और प्रतीक रायपुर से हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और इन्होंने ड्रॉप लेके ये रैंक अचीव की है। तो प्रतीक आपकी जो इंटायर जर्नी है वो बताएं कि फाइनल के साथ क्या हुआ था, निमसेट कब सोचा और ड्रॉप का डिसीजन लेते समय क्या हुआ मन में, और फिर इंटायर आपकी जो पढ़ाई रही वो कैसी रही। जर्नी तो स्टार्ट होती है जब मैं बीसीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था। तब एमसीए करना है ये मेरे को पता था, लेकिन मेरे जो कजन थे उन्होंने किया था छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज से ही। तो यही एम था मेरा कि कंप्यूटर साइंस में तो बहुत बूम है, तो प्राइवेट कॉलेज से एमसीए कर लूंगा। और बीसीए कर रहा था मैं, तो जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में बीसीए के साथ कंप्यूटर के लिए मैंने सौरभ सर के वीडियो देखना स्टार्ट किए, तो उनके वीडियोस देखते गया, मैं कोर्स कर रहा था उनसे सीख के। तो फिर बीच में आया एक शरद सर और सौरभ सर का वीडियो, तो फिर उसमें था निमसेट के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसा एग्जाम होता है, क्या पैटर्न आता है। तो फिर मैंने वो देखा, तब फिर मुझे लगा नहीं यार एनआईटी से एमसीए करना सही रहेगा करके। फिर एक दो वीडियो और थे सौरभ सर के चैनल पे एनआईटी एमसीए से रिलेटेड, तो वो देखे मैंने। फिर फर्स्ट ईयर में मेरे को पता चल गया कि हाँ ठीक है एनआईटी से एमसीए करना है। पर गलती ये हो गई कि मैं सोचा अब फर्स्ट ईयर में मेरे को पता चल गया अब 2 साल में करता हूँ बीसीए पे ध्यान देता हूँ, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करता हूँ, लास्ट ईयर में प्रिपेयर करूंगा और मेरा हो जाएगा करके। तो फिर क्योंकि मैथ्स मेरा 10th 12th में काफ़ी अच्छा था, 10th में मेरे 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में, 12th में भी अच्छा आया था, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं निकाल लूँगा ऐसा करके फाइनल ईयर के साथ। फिर लास्ट ईयर जब मैंने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन तो अच्छा गया मेरा क्योंकि बीसीए के जो 2 साल था गैप मेरा मैथ्स में, उसमें ज़्यादा मैथ्स नहीं रहता तो वही बस गैप था, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर आ गया मेरा फ्लो मैथ्स में। पर जो फाइनल ईयर के साथ मैंने जो दिया एग्जाम और इस साल जो दिया, उसमें एक डिफरेंस मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर माइंडसेट में थोड़ा मेरा गड़बड़ था, इस साल माइंडसेट थोड़ा अच्छा रहा। क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्जाम हॉल में था, मैं पेपर दे रहा था, तो एक ऐसा हुआ कि मैं मन से सोच के गया था कि वेक्टर के तो सारे क्वेश्चन मेरे से बनेंगे ही बनेंगे, और ये गलती हो गई मेरे से। वहां गया मैं, एक वेक्टर के क्वेश्चन में मैं फंस गया, उस पे मैं 3 बार आया, राउंड चलाया तीनों बार फर्स्ट क्वेश्चन में वही पकड़ता था और 1 मिनट 1.5 मिनट देके फिर बाकी क्वेश्चन में जाता था। ऐसे करके मैंने 4-4.5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे दे दिए, और वो क्वेश्चन का मेरे माइंड में चल ही रहा था लास्ट तक 2 घंटे होते तक, अरे यार वो क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया हुआ नहीं हुआ नहीं करके। और उसके चक्कर में मैंने आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ दिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इजी क्वेश्चन छोड़ दिए उसके कारण, और बाहर निकला तो देख रहा हूँ कि लोगों ने 40 अटेम्प्ट किए और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हैं। तो लास्ट ईयर मेरा 2200 रैंक आया। अब जब रैंक आया तो काफ़ी लो फील हो रहा था उस समय कि अरे यार तैयारी तो अच्छी थी पर रैंक नहीं आ पाया, अब क्या करें करके। तो फिर सेल्फ डाउट भी था, लेना चाहिए ड्रॉप या नहीं लेना चाहिए करके। सर के काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे और मोटिवेशनल वाले जो स्टूडेंट के इंटरव्यू आते हैं ड्रॉप वाले वो देखे, फिर भी एक अंदर से आ नहीं रहा था कि लेना चाहिए या नहीं करके। तो फिर घर पे बात हुई, पापा मम्मी लोग को ड्रॉप से थोड़ा वो रहता है, डर रहता है, उनका भी कहना सही है। पर जब मेरे बड़े भाई हैं वो अभी जॉब कर रहे हैं, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं एक ड्रॉप लो तुम, क्योंकि अगर तुम प्राइवेट से करोगे उसके बाद 1-8 साल तो तुमको वैसे भी लग ही जाएगा कुछ सीखने में, तो ये वाला ड्रॉप तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है करके। तो फिर भाई ने ही मम्मी पापा को भी समझाया भाई, और उसके बाद फिर 1 या 2 दिन का ही टाइम लगा मेरे को ये डिसीजन लेने में, और मैं डिसीजन लिया। और फिर डिसीजन लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं साल भर सोच रहा हूँ कि अरे यार मेरा ड्रॉप ईयर है ड्रॉप ईयर है करके, वो डिसीजन लिया मैंने फिर साल भर मैं भूल गया कि ये मेरा ड्रॉप ईयर है। मेरे को एक्सपीरियंस था पिछले साल का, पढ़ाई का भी एक्सपीरियंस था, पर ये मैं बोझ लेके नहीं चलना चाह रहा था कि ड्रॉप ईयर है मेरा। तो फिर ऐसे पढ़ाई स्टार्ट किया सर के साथ मैंने, और फिर मेरे को आते तो थे टॉपिक, तो माइंड के पीछे में ये चल रहा था टॉपिक तो आते हैं यार सर की क्लास, अगर मैं बेसिक क्लास ना भी करूँ तो क्या होगा करके। पर फिर जब स्टार्टिंग में मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर लगा सर तो कुछ अलग ही बता रहे हैं करके,
मतलब जो टॉपिक में पकड़ था वो बहुत ही अच्छा होने लगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एकदम फटाफट बनने लगी। जो इंटीग्रेशन से थोड़ा डर लगता था मेरे को, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया हो गया, मतलब देख के क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ मैं, और इंटीग्रेशन बनाने में मजा आने लगा मेरे को। छोड़ देता था पहले, मैं शीट्स मैंने 5-6 बार कर लिए क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था उसको बनाने में। कोई और टॉपिक के शीट इतने बार नहीं किए मैंने, इंटीग्रेशन के शीट 5-6 बार कर लिए, तो ऐसा चलने लगा। और पर एक चीज है कि मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे थे बिल्कुल भी, और इसका कारण यह है क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था। सर बोलते थे एनालिसिस करो करके, तो मुझे लगता था कि एनालिसिस मतलब मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद मैं रॉन्ग और नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन को देख लेता था, सॉल्व नहीं करता था, सॉल्यूशन देख लिया मैंने और फिर मुझे लगा कि एनालिसिस हो गया मेरा। फिर सर जब क्लास लेते थे वो एनालिसिस क्लास में अटेंड कर लेता था, जो क्वेश्चन मेरे को टफ लगते थे उसको बस सॉल्व करता था, बाकी तो सर बता दिए, हाँ मुझे समझ आ गया, ये मेरा एनालिसिस हो जाता था। पर ऐसा चला मेरा 30 या 35 मॉक तक, तब तक मेरे नंबर आए 390, 380, 370, यही नंबर चल रहे थे मेरे। फिर मुझे लगा कि एनालिसिस में ही कमी है करके, फिर उसके बाद सर से भी बात हुई, सर ने बताया कि आप पूरा करो एनालिसिस, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको पूरा बनाओ, जो बन गए उसको भी बनाओ। और जब मैं नहीं बनाता था तो ये होता था कि जो क्वेश्चन डबल आ जाते थे वो मेरे से फिर से नहीं बनते थे। फिर उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट किया मैंने, तो अच्छे से किया तो फिर नंबर बढ़ने स्टार्ट हुए, 400, 420, 450 तक गया नंबर। फिर एक समय ऐसा आया कि 10-15 मॉक तक 450 ही नंबर आ रहे हैं मेरे, बढ़ नहीं रहे थे मेरे। फिर वहां पे लगा अब क्या गड़बड़ हो रही है करके, फिर सर से बात हुआ, फिर सर समझाए कि करते रहो नंबर मत देखो करके। तो एक ये है कि अगर आप अपने मॉक के नंबर को लेके टेंशन लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरा तो लास्ट मॉक जो सबसे एक इजी मॉक लिए थे सर बीच में, 2-3 मॉक पहले, उसमें भी मेरे 540 या कुछ ही नंबर आए थे, और बाकियों के तो 700, 750 ऐसे आ रहे थे। मेरा टेस्ट में एक भी बार 600 क्रॉस नहीं हुआ, और फाइनल एग्जाम में मेरा 635 आया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि माइंडसेट था, मैं ये नहीं सोचा कि टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे तो अब मैं क्या करूंगा, एक बिलीफ था मेरे पास कि मेरी तैयारी है, मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो क्या हुआ फाइनल एग्जाम में आएंगे। सर भी बोलते थे 69 मॉक मेन रहेगा, उसमें आपको करना है, 68 जो मॉक हुए वो सबका निचोड़ उसमें निकाल के रखना है। और वही मैंने ट्राई किया, और एग्जाम हॉल में मैंने तय किया था कि मेरे को पैनिक नहीं करना है, एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है। एक दो क्वेश्चन आए जो मेरे से पहले राउंड में नहीं बने, दूसरे राउंड में नहीं बने, लेकिन लास्ट में जब मैं गया तो 5 सेकंड के अंदर उनको टिक करके निकल गया। तो ये था माइंड सेट का, ये आपको सही रखना होगा। देखिए प्रतीक ने कितनी सारी इंपॉर्टेंट बात बताई, एक तो फाइनल ईयर के साथ ओवर कॉन्फिडेंस था, दूसरी बात ये कि आप कोई भी टॉपिक कितना भी करके जाओ पर जरूरी नहीं कि पेपर में बन जाए। और अक्सर ये होता है कि जिस क्वेश्चन में, जैसे इसने बहुत अच्छी बात बोली, वेक्टर के क्वेश्चन थे 6, उसमें एक दो क्वेश्चन थे जो उलझाने वाले थे बाकी जी, पर वो एक क्वेश्चन के पीछे पूरा पेपर भी बिगड़ जाता है क्योंकि वही माइंड में चलता रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मत करो सॉल्व नहीं बना, कोई बात नहीं। तो ये सारी कमियों को ध्यान रखा, फिर दूसरा आपने जब प्रॉपरली पढ़ाई करना चालू की, अच्छा इम्पिटस की तो बेसिक क्लास में भी आप बहुत कुछ नया सीखते हो, तो वो एक अच्छा काम किया। पहले मिस्टेक की, पेपर एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर रहे थे, बाद में पेपर एनालिसिस किया, और पेपर एनालिसिस से दो चीज होती है, कितना स्कोर आया वो, और बचे हुए को कैसे स्कोर करना है वो। उस वजह से ये 69 पेपर जब हुआ तो इनने पूरा निचोड़ निकाला, और देखो आज आपके सामने इस निचोड़ भी कि 202 रैंक आना इस बात को बताता है कि 68 पेपर को अच्छे से समझ लिया, इसलिए आपको इतना अच्छा रैंक मिला। तो आप ये बताओ कि आपका आगे का क्या ड्रीम है और आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो सर जूनियर्स के लिए मैसेज ये है कि सर अब हम लोग जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे मतलब जूनियर्स का ऐसा है भी नहीं, और मेरे साथ जो थे उनका भी नहीं था कि एमसीए करना है हमको, एनआईटी से करना है। मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास, कर सकते हैं आप, और काफ़ी चीज़ें हैं, शरद सर से भी आप बात कर सकते हैं। और आगे के ड्रीम के बारे में तो यही प्लान है कि अब इलाहाबाद अलॉट हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रोग्रामिंग को काफ़ी अच्छा करना है, अब इसी लाइन में जाना है। ये मेरा मतलब 12th के बाद से ही मेरा ड्रीम था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे क्लास में बहुत लोग थे लेकिन उनमें से किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं अलग से अपना खुद एफर्ट डालता था, यूट्यूब पे सेशन देखता था सौरभ सर के, तो काफ़ी हेल्प हुआ और इसमें मेरे को बहुत मजा आता है, तो अब आगे इसी लाइन में जाना है मेरे को। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ऐसे ही आप अच्छा करो और जीवन में आगे बढ़ो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।